है और इसका नाम पैंतालीस फैशन प्रो का रखा गया पैंतालीस सौ में ये दिखाई गाड़ी ये पैतालीस सौ में आपको गाड़ी मिलने वाला है इसका नंबर दिखा दीजिएगा बी आर अट्ठाइस डी चालीस बहत्तर है बी आर अट्ठाइस एच, एच और बीस चालीस ये भी गाड़ी आप लोग ले सकते हैं आठ हजार रुपया इसका दाम लगभग लगा सकता है दिक्कत करते हैं लोग जगह जगह पे पैसे मांगते हैं और नमस्कार आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और अभी हम आप सभी को जो नीलामी के गोपालगंज में होने जा रही है वही हम आप सबको गाड़ी दिखाने वाले हैं और हम अभी उत्पाद थाना में पहुंच चुके हैं और उत्पाद थाना का सबसे पहले आपको लोकेशन हम बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कि तमाम मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं जो कि नीलाम होने जा रहे हैं इस बार तो अगर इस बार आप लोग गोपालगंज में भाग नहीं लेते हैं तो सबसे बढ़िया आपकी दुर्भाग्य है यहाँ पर इस बार जो सस्ती सस्ती मोटरसाइकिल हम आप सभी को बताएंगे उसका रेट बताएंगे और नीलामी कब होगी सब कुछ बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम लोग जो भी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं वो गाड़ी देखने के लिए पहुँच चुके हैं और ए टू जेड जो भी गाड़ी नीलामी की लिस्ट में है सब कुछ हम आपको जो गाड़ी है वो दिखाने वाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं तमाम मोटरसाइकिलें नीलामी की लिस्ट में इस बार लगी हुई है तो सबसे पहले इसका मैं लोकेशन बता देता हूँ आपको आने का जो नीलामी जैसे आप लोगों को गाड़ी अगर देखना है एक उत्पाद थाना है ये उत्पाद थाना में जो भी ये देख रहे हैं यहाँ पे जो भी गाड़ी देख रहे हैं ये बिहार में शराब बंद है और कहीं ना कहीं इन गाड़ियों से शराब की तस्करी की गई है पालगंज में नीलामी हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उत्पाद जो भी नीलामी हो रहा है इस बार नीलामी गोपालगंज में तो उत्पाद माल खाना उत्पाद थाना की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इस बार नीला दूसरा कोई थाना शामिल नहीं किया गया है उत्पाद थाना की दो समथिंग गाड़ियाँ इस बार नीलाम हो रही हैं गोपालगंज में तो चलिए हम आपको गाड़ी दिखाने का सिलसिला शुरू करते हैं और डेट भी बताएंगे तो अगर आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा तो चलिए हम सबसे पहले आपको ये गाड़ी दिखाते हैं यहाँ पर देखिए सबसे सब सब पहले, पहले आप लोगों को बता दूँ कि ये गाड़ी पे कोड देख सकते हैं दो तीन चार ये कोड लिख दिया गया है तो इससे क्या होगा जैसे बहुत सारे लोग आते थे गाड़ियों का नंबर तोड़ देते थे उससे गाड़ी नहीं मिल पाती थी तो इससे अब क्या हो गया कि लिस्ट में भी जो नीलामी का लिस्ट है सरकारी जो लिस्ट है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके क्लिक करेंगे बहुत सारे लोगों का जैसे कंप्लेन है कि लिस्ट डाउनलोड नहीं हो पा, हो पा रहा है तो जैसे व्हाट्सअप डाउनलोड किए हैं वैसे अपने फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए तो आपका लिस्ट आसानी से डाउनलोड हो जाएगा तो लिस्ट में आप सभी को दिखाई देगा कि कोड कैसे कोड लिखा हुआ है ये दो नंबर कोड तीन नंबर इससे आप लोग आसानी से गाड़ी खोज सकते हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे दो बार दो तरह की नीलामी हो रही है कुछ स्क्रैप गाड़ियाँ हैं जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा अब हम जो गाड़ी दिखाने जा रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है जिस पर आप लोग खरीद के चल सकते हैं तो आइए हम सबसे पहले ये गाड़ी दिखा दें तीन नंबर ये कोड है और इसका नाम पैंतालीस सौ रुपया इस फैशन प्रो का रखा गया पैंतालीस सौ में ये दिखाइएगा गाड़ी ये पैंतालीस सौ में आपको गाड़ी मिलने वाला है इसका नंबर दिखा दीजिएगा बी आर अट्ठाइस डी चालीस बहत्तर और ये गाड़ी आपको मात्र पैंतालीस सौ रुपये मिलने वाली है और बात करते हैं उसके बगल जल्दी जल्दी हम आपको दिखाएंगे गाड़ी ताकि आप लोग को का बिना समय गवाए हुए जल्दी जल्दी आप लोग गाड़ी देख लीजिए और इक्कीस तारीख को आप लोग इक्कीस दो दो हज़ार तेईस से पहले आप लोग फॉर्म भर के ये गाड़ी खरीद सकते हैं तो जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिए और ये आप लोग चार नंबर को चार नंबर इसका कोड है देख लीजिए और ये भी फैशन प्लस आप लोग पच्चीस सौ में खरीद सकते हैं इसका नंबर भी दिखा दीजिए ये कोड चार नंबर इसका कोड है गाड़ी का चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एक फैशन प्रो है जो कि आप लोग देख सकते हैं जिसका गाड़ी का नंबर है बी आर अट्ठाइस एच बीस चालीस ये भी गाड़ी आप लोग ले सकते हैं आठ हजार रुपया इसका दाम लगाया गया है सीरियल नंबर तिरसठ पे ये गाड़ी है चलिए अब बात करते हैं छ नंबर सीरियल पे सुपर स्प्लेंडर ये गाड़ी है इसको आप पचहत्तर सौ रुपया में ले सकते हैं गाड़ी का नंबर दिखा दीजिएगा और कलर भी इसका ब्लू कलर का गाड़ी है काफी शानदार गाड़ी होने वाला है और इसका रिंग एलाइबल रिंग है तो बाहर आपको ये पचहत्तर सौ में कहीं नहीं मिलने वाला है उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए आठ नंबर इसका कोड है एच एफ डिलक्स गाड़ी है और ये आपको आठ हज़ार रुपये मिलने वाला है इसको दिखाइएगा और पैंसठ नंबर सीरियल पे गाड़ी है चलिए हमारे साथ प्रतिभागी आए हुए हैं और ये भी गाड़ी खोज रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये भी नीलामी में भाग लेते रहते हैं अभी नीलामी में भाग लिए हैं क्या हाँ लिए है इससे पहले लिए हैं एक स्कॉर्पियो लिए हैं स्कॉर्पियो लिए हैं तो फ़ायदा हुआ है कि नहीं नीलामी में नहीं फायदा हुआ है थोड़ा कागज़ बनाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम चलता है मिल दिक्कत करते हैं लोग जगह जगह पे पैसे मांगते हैं और जल्दी कागज़ नहीं बनाते हैं जाने के बाद वो बोलता है कि उनके पास ले जाओ वो बोलते हैं इनके पास ले जाओ यही प्रॉब्लम है बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आप लोग पैसा देते हैं तभी तो कोई लेता है ना मानते ही नहीं ऐसे नहीं देंगे तो वो क्या है आज नहीं करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे ऐसे करके बहुत गोल गोल घुमाते हैं अच्छा अच्छा कहाँ कहाँ पैसा लगता है जो नीलामी से आप लोग गाड़ी खरीदते हैं तो कहाँ कहाँ आप लोग का पैसा लगता है कागज़ बनाने के लिए पैसा लगता है बाकी कहीं पैसा नहीं लगता है बाकी जो नीलामी से हम लोग लेते हैं वो सही है लेकिन कागज़ बनाने के लिए अभी हम स्कॉर्पियो के लिए हैं कागज़ बनाने के लिए कम से कम बीस बार दौड़ चुके हैं अच्छा तो पैसा कहाँ लगता है उत्पाद कार्यालय में हाँ हा, वो नहीं वो क्या नाम है उसका अरे जहाँ वो कागज़ बनाया जाता है ना उत्पाद जहाँ नीलामी होता है उसके पीछे वाले ऑफिस में अच्छा तो यही आपका पैसा लगता है मतलब बस वही वहाँ पे कुछ पैसे घुस के लिए आ, वो लोग जल्दी जल्दी नहीं करते हैं बस यही लफड़ा है अच्छा नीलामी में जब बहुत सारे प्रतिभागी लोग भाग लेते हैं तो नीलामी में ये बताइए कि धांधली भी होती है कोई गड़बड़ सड़बड़ कुछ होता है क्या गड़बड़ सबर क्या होती है सर वही अपना अपना सब मैनेज कर लेते हैं बस हो जाता है अच्छा ये मैनेज का जो प्रक्रिया है जैसे बाहर जैसे आपको गाड़ी लेना है तो पाँच लोग इस पर फॉर्म भरे हैं तो पांच लोग को बाहर पैसा बांट दिया गया वो अंदर जाके बोलने लगा ऐसा होता है क्या हाँ ऐसा यही, यही मैनेज है यही मैनेज है यही मैनेज है ऐसा ऐसा होता है नहीं तो जिसको लगाना होता है बोली वो जाकर लगाता है अच्छा। अगर सब लोग मैनेज कर लिए ठीक है भाई तुम ही ले लो गाड़ी कोई बात नहीं है तो भाई ठीक है एक आदमी ले, ले लेता है चलिए मैनेज होना अच्छा चाहिए बताइए आप आपको एकदम होना चाहिए मतलब मैनेज हो जाना चाहिए बाहर गाड़ियों का एकदम होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए आप लोग मतलब बाहर मैनेज कर लो लेकिन नहीं होगा तो बताइए ये गाड़ी ये सब ले आ करके कोई फायदा है कोई फायदा नहीं है मैंने तभी तो होगा ना। ऐसा है, कोई जा करके। ऐसे ही नहीं पांच लाख सात लाख आठ लाख तक तो चढ़ते हैं लोग हमारे गाड़ी था हमारा चढ़ते चढ़ते कम से कम तीन लाख रुपया चला गया जी। और गाड़ी था एक लाख बीस हजार का गाड़ी बढ़िया मिल गया ना हाँ गाड़ी ठीक है चलिए हम और भी आगे आपको तमाम गाड़िया दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे देखिए नौ नंबर कोड है और सीरियल नंबर छह पे ये गाड़ी है ये देखिए एच डिलक्स गाड़ी और आर जे चौदह बी एन अठारह सत्ताईस गाड़ी का नंबर है अट्ठासी सौ रुपए इसका दाम लगाया गया रेड कलर की एच डिलक्स गाड़ी है इसको दिखाइएगा और उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं सुपर स्प्लेंडर गाड़ी है जिसका दाम तीन हजार रखा गया है जिसका दाम तीन हजार रुपये रखा गया है नीलामी की लिस्ट में तो तीन हजार में ये गाड़ी ले सकते हैं जी बी आर फोर ई जीरो चार सौ साठ ये गाड़ी है और ये भी गाड़ी आप लोग ले सकते हैं सस्ते दामों में अब बात करते हैं ग्यारह नंबर कोड है यहाँ पे देख सकते हैं कोड नंबर बारह है और छः हज़ार रुपये इसका दाम लगाया गया है टी वी की स्पोर्ट बाइक है काफ़ी शानदार बाइक आपको मिलने वाली है तो ये भी गाड़ी आप लोग ले सकते हैं गाड़ी का नंबर देखिएगा यू पी सैंतावन यू अंठानबे इकतालीस गाड़ी का नंबर है और ये भी गाड़ी आप लोग सस्ते दामों में ले सकते हैं चलिए अब बात करते हैं उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं तेरह नंबर इसका कोड है और ये भी गाड़ी पंद्रह सौ रुपये में मात्र मिल रही है पंद्रह सौ रुपये में मिल रही है यूपी पी तिरपन क्यू सोलह इक्सी गाड़ी का नंबर है तो ये भी गाड़ी आप लोग सस्ते दामों में ले सकते हैं और बात करते हैं अब इसके अलावा हम और भी गाड़ी है तमाम गाड़ी जो कि यहाँ नीलामी की यहां लिस्ट में है और यहाँ पे भी देख सकते हैं कोड चौदह यहाँ पे भी देख लीजिए इन गाड़ियों को आप लोग देख सकते हैं और तमाम गाड़ी जो भी नीलामी के लिस्ट में है तमाम हम आपको दिखाते चल रहे हैं कोड नंबर सोलह कोड नंबर सत्रह और कोड नंबर अठारह यहाँ पे तमाम गाड़ी दिखाते चलिए और लगातार हम जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं आप लोग इसका प्राइज लिस्ट से भी मिला सकते हैं किसी का पाँच है, दाम है किसी का दस हज़ार सारे गाड़ी नीलामी के लिस्ट बीस नंबर देख लीजिए इक्कीस नंबर देख लीजिए उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी मोटरसाइकिलें हैं इस बार नीलाम हो रही हैं तो ये ये भी देख लीजिए यहाँ पर जो भी गाड़ी है यहाँ पर उनतीस नंबर तीस नंबर बत्तीस नंबर तैंतीस नंबर उसके अलावा चौंतीस नंबर पैंतीस नंबर और छत्तीस नंबर ये ये जो भी गाड़ी है नीलामी की लिस्ट में है और और आप सभी को मैं बता दूं कि इसका दाम आप लोग नीलामी की लिस्ट में देख सकते हैं और उसके यहाँ पे भी देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ है, इस पर नीलामी की लिस्ट में है तो आप तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और इस बार गोपालगंज में नीलामी होने जा रही है तमाम गाड़ियों की नीलामी मोटरसाइकिलों की नीलामी हो रही है आप लोग गोपालगंज जल्द से जल्द पहुँचे और चैनल को ज्यादा प्यार आशीर्वाद देते रहिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा रखिए अपना ख्याल नमस्कार जय हिंद